हाँ दोस्तों, तो आज हम लेके आए ओलंपिक का वीडियो। इसमें हम पूरा ओलंपिक कवर करेंगे और इसके दो वीडियो आएंगे। ये पहला वीडियो है जिसमें हम है ना बेसिक कवर करते हैं, और इसका एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्या एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और पैरा ओलंपिक का वीडियो मैंने बनाई दिया था, और हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें लगातार क्वेश्चंस आए हैं, और इससे भी आएंगे सारे पीसीएस में, सारे वनडे एग्जाम्स में, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे बढ़िया पहले श्री गणेशाय नमः, ठीक है। अब देखो ओलंपिक में ये कौन सा संस्करण था, 32वां, कौन सा 32वां, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन सा, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कौन से नंबर का हुआ था, 32वें नंबर का। कौन सा ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। कहाँ पर आयोजित हुआ था, टोक्यो में। टोक्यो कहाँ, जापान में, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है, मिराई तोबा, ठीक है। और पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था, सोमाइटी, ठीक है। ये ध्यान रखना, थीम सॉन्ग लक्ष्य है तेरे सामने। क्या है इसका थीम सॉन्ग, लक्ष्य है तेरे सामने। आदर्श भाग क्या है इसका, यूनाइटेड बाय इमोशन। पैरा ओलंपिक का भी आदर्श भाग क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कम से कम 10 एग्जामों में पूछा जा चुका है अभी तक, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। कुल देश कितने थे, कुल देश थे 206, जिसमें 33 प्रतिस्पर्धाएं, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। और लगभग 339 मैच, ठीक है। और भारतीय दल कितना था, भारतीय दल इसको ध्यान रखना, भारतीय दल था अपना 127 लोगों, जिसमें कोचेज खिलाड़ी वगैरह मिला के सारे थे, ठीक है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्वजवाहक कौन थे, एमसी मैरी कॉम, ठीक है। और अपने मनप्रीत सिंह, एमसी मैरी कॉम, ये कौन है, मुक्केबाज है। ये भी ध्यान रखना, कौन किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाज। और मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह है पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन, हॉकी टीम के कैप्टन, ध्यान रखना भैया। क्योंकि क्या है, इस बार है ना हॉकी टीम ने भी है ना क्या जीता है, हॉकी टीम ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में। ये 41 साल के बाद पहली बार हुआ है, 41 साल के बाद। और इसमें क्या है, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया ये कुश्ती से थे। तो ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बजरंग पूनिया ध्वजवाहक, ठीक है, कौन से। और उसमें आपको पता हो कि ना पैरा ओलंपिक में मैंने टेक चंद और अवनींद्रलेखारा बताया था, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। और भारत का पहला पदक तो जे मीरा बाई शानू, सिल्वर मेडल लिया था उन्होंने। ये क्वेश्चन भी लगातार बहुत बार पूछे जाना है एग्जाम्स में, सिल्वर मेडल प्लस क्या, सिल्वर मेडल लिया था इन्होंने, मीरा बाई चानू ने। इन्हें साइखोम भी बोला जाता है, साइखोम इनका निकनेम है, पूछ लेते हैं अक्सर, साइखोम मीरा बाई चानू ने। इन्होंने क्या किया था, पहला मेडल लिया था इस वाले ओलंपिक में, ठीक है, भारोत्तोलन में। किसमें, भारोत्तोलन, देखो भारोत्तोलन। तो आप लोग ध्यान रखना, गेम का क्या है, भारोत्तोलन, लिखते चलना ये सारे फैक्ट, और मैं बोल रहा हूँ लगातार, तो कोई इशू नहीं है ना। कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, अशोक कुमार। कुश्ती में अशोक, कुश्ती कौन, अशोक, अशोक महान आपने पढ़ रखा हुआ, तो कुश्ती कौन करेगा, अशोक करेगा। ठीक है, करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, एम्पायरिंग करने वाले अशोक कुमार। और क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर, गोल्फ अपने यहाँ बहुत रेयर खेला जाता है, अदिति अशोक। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखना, ये फैक्ट बॉडी मुश्किल में बड़े चयनित फैक्ट हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे से लिख लेना, आगे आने वाले 4 वर्षों में ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश, तो आप इनको भी रखना, ठीक है। अभी 2020 वाला होना था, जो कि कब हुआ है, 21 में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है, जापान में, जापान के टोक्यो में। 2024,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 2024 साल का होगा, फ्रांस, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल लिख ले, लिख लो बिल्कुल, 2028 कहाँ यूएसए में होना है। ठीक है, और 2032 ये ऑस्ट्रेलिया में होना है या ब्रिस्बेन में। ठीक है, ये शायद से लॉस एंजलिस है, एंजलिस। एक मिनट रुकिए। ठीक, तो देखो मैंने इतने सारे फैक्ट लिखा दिए, अभी आपको मैं और बताऊंगा। इस बार है ना अपने इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, नीरज चोपड़ा का जैसे नाम है, ठीक है, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। ठीक है, एक और दो तीन हो गए अपने, पुरुष हॉकी टीम लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, इनके नाम मैं आपको पूरे के पूरे लिखा दूंगा। 7 मिले हैं, जिसमें कि अपने को 4 मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल और 2 मिले हैं अपने को क्या सिल्वर मेडल, और 1 मिला है अपने को क्या गोल्ड मेडल। तो पूरे के पूरे लिखाऊंगा कौन किस खेल से था, किसने कितना थ्रो किया है। ठीक है ना, तो आयोजन टोक्यो जापान, शुभंकर मेरा ही तो हुआ, थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने, भारत सॉन्ग यूनाइटेड बाई इमोशन, कुलदेश 206-33 प्रतिस्पर्धा, 339 मैच भारतीय दल की, 127 उद्घाटन समारोह में मेएमसी मैजी कॉम मुक्केबाजी, मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, कुश्ती में भारतोलन खेल से मीराबाई चानू, इस बार के ओलंपिक में पहला पदक जीता है उन्होंने सिल्वर मेडल के रूप में, साइखोम मीराबाई चानू कहते हैं, ये नाम याद रखना। कुश्ती में अपने अशोक कुमार अंपायरिंग करने वाले, ठीक है, क्वालिफाई करने वाले गोल्फर प्लस पहले के अदिति अशोक, क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक साजन प्रकाश, 2020 वाला 21 में आयोजित हुआ, कोरोना की वजह से आगे बढ़ गया था। जापान टोक्यो 2024, फ्रांस पेरिस 2028, यूएसए लॉस एंजलिस 2032, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप इनको पूरा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, और करेंट का आने वाला है इसके बाद वीडियो। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद। और